बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोग अभी अपन लोग निकले हैं थोड़ा शर्ट में, कुछ मुझे एक कंकड़ बाग जाना है, ज़रा कुछ काम है। देख सकते हो किस टाइप का भीड़ सड़कों पे हो रखा है। बहुत ही भीड़ में निकलना पड़ रहा है अपने को, क्योंकि देखो भाई जान तो भाई हमेशा रहेगा, और ब्लॉगिंग में ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि देखो भाई अगर हम ब्लॉगिंग ज़्यादा दिन छोड़ना तो छोड़ देते हैं तो यूट्यूब हमें ये कर देते हैं। अगर आप रेगुलर ब्लॉग डालोगे तो यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा, और अगर नहीं डालोगे तो यूट्यूब आपको डिस प्रमोट करेगा, यानी कि वो आपके वीडियो का सजेशन बहुत ही कम लोगों को दिखाएगा। मतलब यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चे बूढ़े सब एकजुट हो जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया का पूजा होता है। तो अभी चलना है कंकड़ बाग, और अभी हम लोग हैं नाला रोड दुर्गा मंदिर के पास से, और अभी चल रहे हैं कंकड़ बाग। वहाँ मुझे एक काम है और वहाँ से काम करेंगे और निकलेंगे, और दूर तो है पटना में लेकिन अब शर्ट है भाई, तो शर्ट के टाइम धूप बरसात जो हो लेकिन शर्ट तो होना ही होना है। तो चल रहे हैं अभी, और मुझे हो गई है भाई लोग थोड़ी खांसी, तो इसी के कारण ब्लॉग बन नहीं पा रहा था, और मैं अभी भी बीच बीच में खांस रहा हूँ क्योंकि भाई लोग मुझे मतलब खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और ब्लॉगिंग में निकल गया हूँ ना, तो ब्लॉग इस कारण से नहीं बना रहा था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और सेकंड जी दिए था अपने साथ भी सेकंड जी दिए था कि मतलब अभी भी आपको लग रहा होगा कोई ना, फिर वो सब बात भाई सेकंड जी मेरे साथ ये था कि ब्लॉगिंग बनाते बनाते अगर हम लोग खांसी सुनोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो अभी छठ पूजा का टाइम चल रहा है और कैमरा साथ दे रहा है, बस कोई कॉल ना कर दे, क्योंकि भाई देखो कॉल कर देगा भाई मेरा कैमरा बंद हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो चलो देख सकते हो इस टाइम के हीरो लोग चल रहे हैं। कल यानी कि कल हो जाएगा आई थिंक 11 नवंबर या 10 नवंबर शाम का रख देंगे, और उसके अगले दिन सुबह वाला, और इसी के साथ हमारा शर्ट हो जाएगा खत्म, या फिर उसके बाद से पहाड़ में अगर आते मुझे क्लियर नहीं मालूम लेकिन। तो भाई आज है खरना, और खरना में खीर खाना है आज, सबको प्रसाद के तौर पर मिलता है भाई, और अलग ही उसका टेस्ट रहता है रियली, उसका जो टेस्ट है खरना का अलग खीर का वो कुछ अलग ही सा रहता है। तो चल रहे हैं अभी और चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि राजेंद्र नगर टर्मिनल वाले रास्ते से जाऊँ, आई मीन अनु से तो पुल से जाऊँ या फिर राजेंद्र नगर पुल से, चलो देखते हैं। अभी तो पहले गोलम्बर पहुँचना पड़ेगा, वैशाली गोलम्बर, क्योंकि अभी तो अपन लोग दिनकर गोलम्बर के पास हैं, और इसके अगला जो गोलम्बर आता है उसे वैशाली गोलम्बर बोला जाता है, तो अंकल जी गोलम्बर में भी
रोटे ज़्यादा क्या तकले हैं अंकल जी, तकले थोड़ा सा। तो भाई लोग अभी देख सकते हो कि अभी चीज़ें चल रहे हैं और पुलिस की चेकिंग भी बहुत है। तो ये रोड तो बहुत अच्छा बना दिया सरकार ने। कल जब मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ से लौट रहा था तो भाई एक नंबर, मतलब रोड की वापस से बहुत अच्छे से पिचिंग कर दी गई है भाई। और पिचिंग करने के बाद तो ये रोड लाजवाब बन गई। और ऐसा ही रोड अगर कूड़ा फटना बन गया तो क्या ही बात है। तो देख बच्चे भाई लोग पीछे में मेरे कुछ बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे आ रहे थे जो घाट से स्नान करते। और कल तो नहाए खाए था तो आज तो भाई बहुत भीड़ थी यार। मैं जाने का सोचा लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला मत जा, मतलब कि ऐसा भीड़ है भाई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो भाई देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ छठ इतना श्रद्धा का पर्व और महापर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि 90% इंडियन, 99% इंडियंस इससे मतलब करते ही करते हैं। तो अभी अराउंड टाइम हो रहा है अभी आपका 11:30, तो अभी सोच रहा हूँ कि राजेंद्र नगर पुल से ही चलो, देखते हैं। क्योंकि धनुषर पुल से जाऊँगा भाई तो बहुत ज़्यादा ही घूमना पड़ जाएगा, लेकिन अगर रोड अच्छा मिलेगा भाई तो ये बात है। तो चलो हमको रोकने लगाएंगे हमला को जी। तो भाई ये लोग का भी अलग ही मतलब लगता है IAS या IPS कोई ऑफिसर थे, तो इसमें भी भाई अलग ही मज़ा आया। और देखा उन्होंने अचानक से रोक दिया यार, थंबनेल शायद निकल गया होगा अपना आज के लिए। मैं देखूँगा वीडियो को स्टार्ट करके अगर थंबनेल निकल गया तो डालूँगा आखिर इस पुलिस वाले ने मुझे क्यों रोका। भाई अचानक से बोला साइड करो साइड करो, अरे भाई थोड़ा जो आराम टाइम दो यार आदमी को। सर मैं बाइक चला रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, अंडर एज हूँ, साइकिल में क्या एज होता है यार। भाई इसने तो भाई डरा ही दिया यार। चलो चलो, तो बहुत ही कोई अच्छे मतलब बड़े अफसर होंगे, क्योंकि आगे 3-4 गाड़ी स्कॉट मेंबर की चल रही थी, बीच में उनकी अपनी गाड़ी जिसमें 2 बॉडी गार्ड लटके हुए थे और अंदर भी बैठे हुए थे, कुछ टंडे हैं जिसको बुलाया था। और इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बुलेरो क्या नहीं था भाई, तो इनका भी अलग ही है एक। तो मैं बार बार वीडियो चेक कर रहा हूँ कि वीडियो बन तो रही है थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने को, क्योंकि भाई वीडियो नहीं बनेगी और मैं इधर से बना बोलता जा रहा हूँ। तो लास्ट में पहुँचने के बाद जब वीडियो देखता हूँ कि अरे वीडियो तो बनी ही नहीं, बीच में बंद हो गई, बहुत दुख पहुँचता है। सामने से आ रहा है ट्रक, तो लेते हैं हल्का साइड और देते हैं ट्रक से देख सकते हो किस टाइप के लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड को। क्या है भाई ब्रेक है या फिर ब्रेक को भेज दिया आपने, सोचो रहे थे। तो अभी हम लोग हैं यहाँ बाजार समिति सीधे निकलता है और इधर से अगर हम राइट ले लेते हैं तो धनुसेतु पुल, तो धनुसेतु पुल से चलेंगे और शंकरबाग में कुछ काम है मुझे आई गेस वहाँ पे, मतलब मुझे मेरे एक रिलेटिव से घर जाना है और वहाँ पे मेरा एक घर है मेरा ही यहाँ, तो वहाँ पे जाना है और कुछ वहाँ पे मतलब फायर क्रैकर्स पड़े हुए हैं तो उन्हें लेके घर जाएंगे, क्योंकि दिवाली मतलब वहाँ पे ऐसे ही भाई पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा घर पे ले चलता हूँ, वहाँ छठ में फूट जाएंगे, तो घर पे ले जाएंगे और छठ में फूटेंगे। इस बार अपन लोग तो घाट जाएंगे नहीं, यहाँ का रोड तो भाई गंदा डैमेज है यार, यहाँ का रोड कोई फिर तक नहीं।
नहीं सकते भाई, क्योंकि ये रोड जो है भाई बहुत खराब हो रही है और कैमरा मिलने रहा होगा तो आपको मालूम चल ही गया। और भाई लोग भूख तो बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है एक्चुअली गर्मी से, तो भाई पसीना हमें इतना आ रहा है जहाँ से बोला है तो चढ़ना पुल पे। तो चलो देखते हैं क्या होता है, चढ़ पाते हैं या फिर बीच में, क्योंकि मैं डेली तो राजेंद्र नगर पुल जो है भाई लोग चढ़ जाता हूँ और उतर भी जाता हूँ। उतरते समय तो मज़ा आता है, चढ़ते समय तो भाई लोग क्या बोली हवा तो पुल पे चढ़ रहे हैं। और चलो बस सब मिलते हैं आपसे पुल के बीच में, मेरा हाफना चालू हो गया। पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गया मैं और अपने को लेना है आगे से लेफ्ट। तो मतलब आगे जो पुलिस चेकिंग मतलब पुलिस का जो एरिया है वहाँ से लेफ्ट लेना है और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल आपका यहाँ से राइट में हो गया और लेफ्ट में आपका आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जानू से दूसरे लेफ्ट में गई आप सकते वही रास्ता है आपका। तो भाई लोग अभी चेकिंग तो जोर है, तो भाई लोग इधर ट्रैफिक का तो भाई अलग ही माहौल हो रहा है। मतलब कि मैं क्या है तो भाई क्लोज कॉल, तो भाई क्लोज कॉल से ट्रैफिक को ट्रैफिक का भाई लोग तो आप लोग गाड़ी के ऊपर से तो नहीं निकालोगे भाई। आपको बंदा दिख रहा है साइकिल से इतनी देर से मेरे को स्टाइल मार रहा है, तो इसे जाने देते हैं भाई लोग आगे। अपने को यहाँ रेस नहीं लगाने की, और मान लो मैं रेस लगाती तो भाई वो गिर पर गया भाई तो बाद में तो मुझे बोलेगा कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। तो चलो भाई लोग यहाँ से लाइट होते हैं और बहुत ही हल्ला इधर, तो थोड़ी देर और चलाएं और बस में 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 चलाएं और बस
बारिश से ज़्यादा तो भाई लोग मतलब ये श्री श्री छठ पूजा होते हैं वही लोग ज़्यादा सवाल लेते हैं भाई ट्रैफिक को, पुलिस तो अपने आग आ जाती है भाई लोग। तो बस थोड़ी दूर है यहाँ से, तो भाई लोग चलो बस मिलते हैं। तो चलो आपसे मिलते हैं सामान लेने के। तो भाई लोग हो चुका है अपना काम और ये रहा सामान क्रैकर्स है इसमें। तो चलो भाई लोग आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले ही ऐसे व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड।